मोहनदास करमचंद गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में अपने पिता से जुड़ा हुआ एक घटनाक्रम लिखा है जो बहुत ही प्रेरणास्पद है। महात्मा गांधी ने लिखा है कि बचपन में उन्हें बीड़ी पीने की आदत हो गई, नौकरों के द्वारा फेंके गए बीड़ी के ठूठे उठा करके पीते, बाद में नौकरों की जेब से पैसे चुरा करके ले जाते और बीड़ी खरीद करके पीते। बीड़ी पीने की लत ऐसी पड़ी कि कर्जा हो गया। तब मझले भाई के हाथ में पहना हुआ सोने का कड़ा, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल करके बेच करके वो कर्ज चुकाया। बाद में महात्मा गांधी को अफसोस हुआ, तब वे मुनिया थे, मोहनिया थे। महात्मा गांधी को अफसोस हुआ, उन्होंने अपने पिताजी को यह बात कहनी चाहिए, लेकिन उन्हें लगा कि यह बात कहने पे वे गाली गलौज करेंगे, नाराज होंगे, मारपीट होगी। इस डर से उन्होंने ये बात उनको नहीं कही। उनके पिताजी कुछ क्रोधी स्वभाव के थे। तब मोहनदास करमचंद गांधी ने पत्र लिखा, पिताजी बीमारी के कारण खाट में थे। पिताजी ने वह पत्र पढ़ा। पत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने पूरी बात लिखी थी और साथ में कहा था कि आगे से ऐसा नहीं करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा, उनके आंखों में से आंसू निकल गए, पत्र भीग गया। बाद में पिताजी ने उस पत्र को फाड़ करके फेंक दिया और सो गए। यही व्यवहार, यही प्रेम देख करके मोहनदास करमचंद गांधी निर्भय हो गए। गांधी जी कहते हैं कि यह अहिंसा का पाठ था, इससे मुझे शुद्धि मिली। पिताजी बीमार रहते थे, तब गांधी जी ने स्कूल में जो शाम के समय कसरत का समय था उससे छुट्टी ली, सेवा करते थे। एक दिन चाचा जी ने कहा कि मोहन तुम जाओ आराम करो, मैं पिताजी को भाई को देख लेता हूं। 5-10 मिनट बाद में ही नौकर ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि पिताजी नहीं रहे। मोहनदास करमचंद गांधी को बहुत अफसोस हुआ कि अंतिम समय में 5-10 मिनट के लिए चले गए और पिताजी के पास में अंतिम समय में नहीं रह सके, इसका उन्हें जीवन भर अफसोस रहा। ठिंग नेगत के भारी भरकम शरीर के करमचंद ने दुनिया देखी थी। वे दीवान थे, सिर्फ 5वीं तक पढ़े थे, पर बाल मनोविज्ञान को समझते थे। उनके माफ कर देने मात्र से मोहनिया का निर्माण हुआ, वे एक अच्छे इंसान बन करके निकले।